नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत। लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए एक बयान पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है। गुरुवार को इसी बयान पर आपराधिक मानहानि के मामले पर सूरत की अदालत में पेश होना पड़ा और अपना बयान दर्ज कराया। दरअसल सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी उपनाम पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट A.N. देव ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने अदालत में कहा है कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं बल्कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष किया था, इस मामले में उन्हें ज्यादा याद नहीं है। कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया गया है जिसमें कैमरामैन का बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और क्या था पूरा मामला। दरअसल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस याचिका में 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के एक बयान को आधार बनाया गया है। यहाँ रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके पास मोदी सरनेम है, हर चोर का मोदी सरनेम क्यों है। इसी मसले पर राहुल गांधी पर मोदी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।